हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रियलमी के मोबाइल में ऐप को कैसे हाइड किया जाता है या हाइड ऐप को वापस कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोग को कैसे किया जाता है। आपको सिंपली जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। तो प्राइवेसी कहाँ है, ये रहा प्राइवेसी, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है ऐप लॉक, यहाँ पे ऐप लॉक शो हो रहा है, इसमें चले जाएंगे। यहाँ पे मेरा हो गया ऐप लॉक ऑन। यहाँ पे जिसको हाइड करना है तो वो हाइड करके दिखाते हैं, उसके बाद उसको वापस भी करके वापस निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए हम जैसे इसको किसको अमेज़ॉन को करके दिखाते हैं। तो अमेज़ॉन में देखिए, पहले ये ऐप पे लॉक लग रहा है और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हाइड भी कर सकते हैं। तो ये हाइड हो गया, इस पर क्लिक करते ही हाइड हो गया। इसमें ऑप्शन दो आ गया है कि रिसेंट फ्रॉम रिसेंट टास्क, मतलब वहाँ से भी हटा सकते हैं। जैसे वीडियो अभी हम यहाँ से गए तो ये भी, ये वाला जो सेटिंग है ये भी नहीं रहेगा, तो इसको भी हटा सकते हो ये ऑप्शन से। तो आपको उसको भी ऑन करके रखना है और हाइड नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना है कि बाहर में नोटिफिकेशन नहीं आए। हम लोग गेम खेलते हैं उसमें ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं तो हम लोग को हाइड करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए करके कर दिए और इसको मतलब अब उसको ढूंढेंगे कैसे कि कहाँ चला गया। तो आपको सिंपली उसके लिए आपको जाना है अपने डायल पैड, मतलब जहाँ से आप कॉल करते हैं वहाँ पे जाना है। और जब आप लोग वो चालू किए होंगे ऐप लॉक या हाइड का, तो वहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ डाला हो हैश के साथ। तो हैश के साथ हम डाल रहे हैं, मेरा ये है तो ये डाले, ये खुल के आ गया ये। और एक और इसी एक ऑप्शन होता है फिंगर से, मतलब वो जैसे मोबाइल का स्क्रीन ऑफ रहेगा वो फिंगर से हटाएंगे तो डायरेक्ट वो ऐप लॉक का जो हाइड है वो खुल के आ जा। तो उसको आपको फिंगर से करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में, फिर से सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको जाना है बायोमेट्रिक वाले में, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स, इसमें जाना है, फिंगरप्रिंट्स में जाना है, यहाँ चलेंगे। इसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे लॉक स्क्रीन का, डाल दिए। इसके बाद जाना है, ये मेरा तीन फिंगर है, एक मेरा मेरा दो है एक भाई का। तो हमको जाना है मतलब फिंगर से क्या क्या खुल सकता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि लॉक स्क्रीन भी खुलेगा फिंगर से, ऐप लॉक भी खुलेगा फिंगर से एंड प्राइवेट सेफ भी। तो प्राइवेट सेफ मतलब वही जो हाइड की है वही है, तो वो भी खुलेगा। तो आपको फिर उसके बाद ये वाले ऑप्शन में जाना है, ये इस पर, और सेलेक्ट करना है कौन सी फिंगर से वो खुलेगा। तो मैं इंडेक्स फिंगर डाले हुआ लेफ्ट हैंड की, वो वाली इंडेक्स फिंगर सटाऊंगा और डायरेक्ट खुलेगा। जब स्क्रीन ऑफ रहेगा पूरी तरीके से तभी ये काम करेगा। तो उसको स्क्रीन ऑफ रहेगा उसका डायरेक्ट ही सेलेक्ट करना है, उसके बाद सटाते ही वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेकर आ जाएगा, सटाते ही यहाँ पे आपको पहुँचा देगा। तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसको वापस निकालने के लिए होम स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे नहीं है अमेज़ॉन, तो इसको वापस लाने के लिए फिर से आपको जाना है सेटिंग में और फिर वही प्रोसेस करना है। आपको जाना प्राइवेसी में, प्राइवेसी में जाने के बाद जाना है आपको ऐप लॉक, ऐप लॉक पे जाने के बाद आपको जाना है अमेज़ॉन, यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन पे गया, इसके बाद यहाँ से स्क्रीन उस पर से लॉक ही हटा देंगे तो वो भी हट जाएगा। या आपको लॉक रखना है और मगर उस पर उसको हाइड जो किया वो हटाना है, तो उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन कर सकते हैं और ये बंद होना चाहिए। तो ऐप रहेगा मगर हाइड नहीं रहेगा, ये मेरा लॉक है मगर हाइड नहीं है। तो जैसे वो वापस आ गया होम स्क्रीन पे, देखिए अमेज़ॉन आ गया होम स्क्रीन पे। तो यही थी आज की वीडियो, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो रियलमी यूज़र है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।